फ़िक़्र और हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मकदम है। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज जो मैं नुस्खा लेकर हाजिर हूँ ये मेरे उन भाइयों के लिए हैं जो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो निकली हुई तौंद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने मोटे चेहरे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने कोशिशें कर ली हैं लेकिन वो पतले नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए एक बात ये है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई पतला बंदा है, अगर कोई पतला बंदा है तो उसके लिए मोटा होना तो मुश्किल है, लेकिन जो कोई मोटा बंदा है उसके लिए पतला होना मुश्किल नहीं है। मतलब काम मुश्किल है जो उसको करना पड़ेगा, ठीक है, काम मुश्किल है जो उसको करना पड़ेगा लेकिन वो पतला हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब जो रिज़ल्ट हम देखते हैं जो सर्वे के मुताबिक है, पतला मोटा बंदा पतला हो जाएगा। लेकिन पतला बंदा, वो आपने सुना होगा कि पतले बंदे को, भाई कोई भी मोटा बंदा है वो अपनी डाइट पे कंट्रोल कर ले, खाने पे कंट्रोल कर ले, ऑब्वियसली वो पतला हो जाएगा। लेकिन कोई पतला बंदा है, आप जिसका कद काठी, जिसका मतलब एक सिस्टम जो है फिज़िकल सिस्टम वो पतले वाला है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसको सुबह से शाम तक खिलवाते रहिए, पिलवाते रहिए, उसने मोटा नहीं होना है जी, ठीक है। लेकिन मोटे के साथ ये मसला नहीं होता है, उसका मुँह रुकवा दीजिए, आप ज़बान रुकवा दीजिए, वो पतला हो जाएगा। अब जो मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, इस सुबह शाम अगर आपने इस्तेमाल कर लिया इंशाअल्लाह चर्बी घुल जाएगी, जो तौंद निकल गई है ये भी ख़त्म हो जाएगी और जो मोटा सा फेस है ना ये भी सही हो जाएगा और इस पर जो लाइन वगैरह इंशाअल्लाह आ जाएगी और ख़ूबसूरती पैदा होगी, ठीक है, चेहरे के अंदर। करना क्या है, बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, आपने सबसे पहले तो डेढ़ कप पानी लेना है, डेढ़ गिलास भी आप ले सकते हैं, डेढ़ गिलास आपने पानी लेना है। उसके बाद जो काम करना है इसमें वो ये कि आधा चम्मच आपने अजवाइन डालनी है, आधा चम्मच सौंफ डालनी है, आधा चम्मच ग्रीन टी डालनी है, डेढ़ इंच दालचीनी डालनी है और डेढ़ इंच ही आपने अदरक का टुकड़ा इसके अंदर छील के अच्छी तरह डाल देना है। अब इसको पकाइए, खूब पकाइए। जब ये पकते 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 जो डेढ़ कप है, जो डेढ़ कप है ये डेढ़ कप से आधा यानी कि पौन कप या पौन गिलास रह जाए, यानी कि 75%, अभी 150% था, 75% रह जाए, उसका आधा रह जाए, तब आपने क्या करना है, तब आप इसको बंद कर दीजिए, मतलब चूल्हे को बंद कर दीजिए और इसको 15 मिनट तक इसी तरीके से ढके ढके आप रखा रहने दीजिए। और उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि इसको छान के पी लेना है सुबह को खाली पेट। सेम प्रोसेस आपने रात को सोते वक्त करना है, चंद दिन गुजरेंगे इंशाल्लाह चर्बी घुल जाएगी, आप मोटे से पतले फिट हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है, जो जॉ लाइन वगैरह है आपकी, वो भी इंशाल्लाह नमूदार हो जाएगी और मोटा फेस भी आपका ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नुस्खा आपको अच्छा लगा है और आप इसे करेंगे भी। आज के लिए इतना ही, चलिए अल्लाह हाफिज़।